बाइनरी युग्म, मतलब ऐसे दो मिनरल जो आपस में मिक्स नहीं हो, राइट। अब अगर मिक्स नहीं हो रहे हैं, लेट्स से टेक दिस एग्जांपल ऑफ एनॉर्थाइट एंड डायऑक्साइड। एनॉर्थाइट क्या है? एक फेल्डस्पार है। डायऑक्साइड क्या है? एक पाइरोक्सीन है, कैल्शियम रिच पाइरोक्सीन को डायऑक्साइड। पाइरोक्सीन और फेल्डस्पार आपस में मिक्स नहीं होंगे, ठीक है। अगर आपस में मिक्स नहीं होंगे तो ये एक दूसरे में इम्प्योरिटी का काम करेंगे। जैसे कोई भी एक ऐसी चीज डाल दी जाए जो सॉल्यूशन का पार्ट नहीं है तो इम्प्योरिटी जैसे काम, राइट। अगर हम किसी चीज में इम्प्योरिटी मिलाते हैं तो टेम्परेचर कम होता है या ज्यादा होता है? कम होता है सर। मेल्टिंग पॉइंट कम होता है। प्योर एनॉर्थाइट का मेल्टिंग पॉइंट 1553 है, हमने देखा था 1553 पे प्योर एनॉर्थाइट क्रिस्टलाइज होना शुरू होता है। बट उस प्योर एनॉर्थाइट में अगर मैं डाइऑक्साइड मिला तो उसका मेल्टिंग पॉइंट कम हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे मिलाते जाओ तो ये कम होता चला जाएगा। तो ये ग्राफ बनता कैसे? देखो, ये प्योर एनॉर्थाइट है, इसमें एल्बाइड मिलाते जाओ कम होता जाएगा, कम होता जाएगा, कम होता जाएगा, कम होता ऐसे जाएगा। ये प्योर डाइऑक्साइड है, इसमें एनॉर्थाइट मिलाते जाएगा ये भी कम होता जाएगा, कम होते 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 यहां पर ये कहीं पे मीट करेंगे, ये वाला पॉइंट है जहां मीट, ठीक है। इस वाले पॉइंट को बोला जाता है यूटेक्टिक, ठीक है। दिस इज यूटेक्टिक। तो ये लिक्विडस है डाइऑक्साइड का, ये लिक्विडस है एनॉर्थाइट का, और ये सॉलिडस, ये सीधी लाइन दिख रही है, दिस इज सॉलिडस। अब इसको समझने का ट्राई, लेट्स से आपके पास एक मेल्ट है जो एनॉर्थाइट रिच, इधर से भी शुरू कर सकता है, वी विल डू दैट आल्सो, बट लेट्स से एनॉर्थाइट रिच मेल्ट, ठीक है। तो यहां पे डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होगा? 2। कैसे? कंपोनेंट कितने हैं? 2। फेज कितना है यहां पे? 1। तो 2 - 1 + 1 2 आया, 1 और 1 कट गया। 2 इज द डिग्री ऑफ फ्रीडम, मतलब इस बल्ब टेम्परेचर डिफाइन नहीं करना है केवल, इस टेम्परेचर पे ये कुछ आपको प्रेशर तो फिक्स, आपको एक कॉम्पोजिशन भी डिफाइन करना पड़ेगा सो दैट इसको पिन पॉइंट कर सकते। तो 2 वेरिएबल चाहिए इसको डिफाइन करने के लिए, राइट। क्योंकि इस टेम्परेचर पे हजारों मेल्ट है, बट ये वाले के लिए एक और वेरिएबल चाहिए। हमारे केस में हम वेट परसेंटेज लेते हैं। अब ये डिग्री ऑफ फ्रीडम यहाँ पे 2। नाउ यू स्टार्ट कूलिंग, अब तो इसको ठंडा कर लो, यहाँ पे है इस पॉइंट पे, ये किसका लिक्विडस है? एनॉर्थाइट का, ठीक है। एनॉर्थाइट ही केवल क्रिस्टलाइज होना शुरू हो, ओनली एनॉर्थ। अब केवल एनॉर्थाइट अगर क्रिस्टलाइज हो रहा है तो सॉलिड जो बन रहा है इट इज प्योर एनॉर्थ, तो वो कहां पे आएगा? एग्जैक्टली एनॉर्थाइट, 100% एनॉर्थाइट। दिस लाइन इज 100% एनॉर्थाइट, तो जो सॉलिड बनेगा दैट विल बी 100% एनॉर्थ। अब तुम इसके अलॉन्ग चल रहे हो क्योंकि कूलिंग हो रही है, इसके अलॉन्ग क्यों चलना पड़ रहा है? क्योंकि डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 हो, बिकॉज नंबर ऑफ फेजेस आर नाउ 2, लिक्विड एंड एनॉर्थाइट। लिक्विड एक फेज था, अब एक सॉलिड फेज भी आ गई एनॉर्थाइट, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम हो गया 2 - 2 + 1 दिस इज 1। 1 मतलब यू हैव टू मूव अलॉन्ग दिस लाइन। अब ये इसके अलॉन्ग चल रहा है ऐसे, व्हेन इट इज मूविंग अलॉन्ग दिस लाइन दिस प्योर एनॉर्थाइट का भी टेम्परेचर कम हो रहा है इसके साथ, और ज्यादा से ज्यादा एनॉर्थाइट क्रिस्टलाइज होता जा रहा है, राइट। अगर एनॉर्थाइट क्रिस्टलाइज हो रहा है तो क्या लिक्विड का कॉम्पोजिशन चेंज होगा? जो लिक्विड हम लेके चले थे ये है मेरा लिक्विड, इससे अगर मैं एनॉर्थाइट निकालते जा रहा हूं तो क्या इसका कॉम्पोजिशन चेंज होगा? हाँ नहीं होगा,
सोचो तुम्हारा लिक्विड था जिसमें 70-30 रेशियो, ठीक है, 70% एनर्थाइट था, 30% डाइऑक्साइड था। अब उससे मैं केवल एनर्थाइट निकाल लो तो क्या लिक्विड डाइऑक्साइड रिच होगा कि नहीं? होगा सर, यस सर, होना ही चाहिए। नहीं नहीं, लिक्विड तो यहाँ पे है ना, अगर केवल एनर्थाइट होता तो यहाँ होता। लिक्विड का कॉम्पोजिशन इज 70-30, जो लिक्विड कॉम्पोजिशन है दिस इज 70-30। सो अब 70-30 में से अगर केवल एनर्थाइट निकालोगे तो ऑब्वियसली डाइऑक्साइड रिच होता है। अब अगर मुझे इस पॉइंट पे या कह लो इस पॉइंट पे रिएक्शन लिखनी है तो एक बार लिखो आप क्या रिएक्शन होगी एट एनी गिवन पॉइंट। यहां पे ले लो लिक्विड, इधर आ गया, इस पॉइंट पे मेरे को रिएक्शन बताओ क्या रिएक्शन हो रही होगी। Yes, anyone? क्या रिएक्शन इस पॉइंट पे हो रही है? सर लिक्विड प्लस एनर्थाइट देन न्यू लिक्विड। लिक्विड प्लस एनर्थाइट, ओके, एक आया मेरे पास आंसर, लिक्विड प्लस एनर्थाइट, आगे सर न्यू क्रिस्टल बनेगा। गिव्स सर एनर्थाइट 1 प्लस ये लग रहा है सही है, रेज योर हैंड्स, कितनों को लग रहा है ये सही है, लिक्विड 1 प्लस एनर्थाइट 1 Yes, anorthite 2 plus liquid 2. दो लोगों को सही था। Plagioclase है, L-Y-K-S. Plagioclase है, pure anorthite. Anorthite plus anorthite. That's right. ये तो pure anorthite का liquid है. अभी dioxide बना है? ये गलत है। बहुत गलत नहीं है, ये गलत इस सेंस में है, ये प्योर एनर्थाइट है, ये भी प्योर एनर्थाइट है, ये 1 और 2 को लिखो भाई, ये प्लैजियोक्लेस 1 और प्लैजियोक्लेस 2 लिखते थे तो दोनों प्लैजियोक्लेस अलग अलग होते, एक कैल्शियम मिक्स होता था, एक एल्बाइटिस होता था, उसको मिक्स करके तो कुछ बना, राइट, या एक पहला जो एनर्थाइट था वो लिक्विड, पहला प्लैजियोक्लेस लिक्विड के साथ रिएक्ट करके दूसरा प्लैजियोक्लेस बना, या ऐसा कुछ तो ये इसमें जो सही करेंगे तो बहुत सिंपली सही हो जाएगी। निकिता ध्यान देना, लिक्विड से एनर्थाइट बन रहा है और केवल लिक्विड चेंज हो, तो लिक्विड 1 दैट इज करेक्ट, इट इज गिविंग यू एनर्थाइट 1-2 नहीं, प्योर एनर्थाइट प्लस लिक्विड 2, बिकॉज जैसे जैसे एनर्थाइट निकलता जा रहा है लिक्विड चेंज होता है, जो हो रहा है पहले उसको फील करो एंड देन राइट द इक्वेशन। व्हाट इज हैपनिंग, एक लिक्विड है जिससे प्योर एनर्थाइट निकल रहा है और उससे लिक्विड का कॉम्पोजिशन चेंज हो, यही होगा, एक लिक्विड है जिससे प्योर एनर्थाइट निकल रहा है उससे लिक्विड का कॉम्पोजिशन चेंज हो, वो एनर्थाइट वापस लिक्विड के साथ रिएक्ट नहीं कर, बस लिक्विड से एनर्थाइट क्रिस्टलाइज हो, ठीक है, कोई एक्सचेंज वापस नहीं सकता, मेक सेंस? सो दिस इज द इक्वेशन फॉर सर, दैट मींस डाइऑक्साइड का जो पार्ट है वो लिक्विड 2 में है, अभी लिक्विड 2 में, वेरी गुड, डाइऑक्साइड लिक्विड 2 में ही है, अभी वो क्रिस्टलाइज होना शुरू भी नहीं हुआ, ठीक है। अब देखो यहां से हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है, यहां से हम आगे बढ़ते बढ़ते आएंगे और सेम रिएक्शन चलती रहेगी, एनर्थाइट बनता रहेगा, लिक्विड कंपोजिशन चेंज होता रहेगा, एक पॉइंट पे इधर पे आ जाओगे, जस्ट एट दिस पॉइंट यू आर ऑल्सो टचिंग द डाइऑक्साइड लिक्विड, तो अब दोनों दोनों क्या होंगे,
क्रिस्टलाइज होंगे, क्या रिएक्शन होनी चाहिए? लिक्विड वन प्लस एनोर्थाइट वन नहीं, एनोर्थाइट प्लस डायऑक्साइड, प्लस लिक्विड टू लिखूं कि नहीं? नहीं सर, नहीं लिखेंगे अभी। क्यों नहीं लिखेंगे अभी? फिर वही तो डायऑक्साइड में कन्वर्ट होगा। हाँ तो अगर डायऑक्साइड में रहेगा सर, देखना चाहिए लिक्विड टू कि नहीं। सर लिक्विड टू ऑलरेडी कन्वर्ट हो चुका है डायऑक्साइड, यहाँ पहुंचे पहले जो तो पहले जो लिक्विड टू में डाइऑक्साइड था पूरा डाइऑक्साइड बन चुका है, इसलिए शायद नहीं लिखेंगे। हाँ यूटेक्टिक पे आ रहे हो सर, वहाँ पे तो एक साथ दो ही क्रिस्टलाइज करेंगे ना? यस, वहाँ पे तो डाइऑक्साइड और एनोर्थाइट उसी का क्रिस्टल बनेगा, मिक्स हो जाएगा। राइट सर, तो फिर आगे मैंने फिर वहां से थोड़ा सीड करेगा नेक्स्ट, तो वहां पर फिर डाइऑक्साइड प्लस लिक्विड का फॉर्मेशन होगा। आगे वहां से प्रोसीड करेगा नहीं? लेट्स सी, इस पॉइंट पे डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालो अपने आप में, सब लोग निकालो और बताओ इस पॉइंट पे सर जीरो होगा क्या आना चाहिए? ओके, एक आंसर जीरो आएगा, जीरो। तीन फेजेस है, दिख रहा है सबको? तीन फेजेस, एनोर्थाइट, डायऑक्साइड और लिक्विड, तीनों आपस में मिक्स नहीं होंगे। तो नंबर ऑफ फेज थ्री हो गया, तो टू माइनस थ्री प्लस वन क्या हुआ? जीरो। जीरो का मतलब ये रिएक्शन का पॉइंट ऑलरेडी डिफाइंड है, अब कुछ वेरिएबल नहीं चाहिए। मैं ये पॉइंट पे तब तक रहेगा जब तक डिग्री ऑफ फ्रीडम चेंज नहीं होता। राइट, डिग्री ऑफ फ्रीडम कब चेंज होगा? जब एक वेरिएबल कुछ खत्म हो, एक फेज चला जाए, क्योंकि कंपोनेंट तो दो ही है, वो तो इस पूरे डायग्राम में दो कंपोनेंट है, वो तो किसी भी पॉइंट पे चेंज नहीं होंगे। राइट, टू तो चेंज होगा नहीं, कंपोनेंट टू ही रहे। ठीक है, ये प्लस वन चेंज नहीं होगा क्योंकि आइसोबारिक कंडीशन, ओनली थिंग दैट कैन चेंज इज पी, यहां पे पी टू था, यहां पे पी थ्री है। जब तक थ्री है तब तक ये पॉइंट यही रहेगा, इनवेरिएंट मतलब मूव नहीं कर सकते। राइट, अगर ये यहीं पे है और ये दोनों बन रहे तो ये तो खत्म नहीं हो रही। खत्म क्या हो रहा है इन तीनों में से? लिक्विड। तो एक पॉइंट आएगा जब लिक्विड खत्म हो जाएगा। अगर लिक्विड खत्म ही होना है इस पॉइंट पे तो प्लस लिक्विड लिखने का कोई मतलब नहीं है। राइट, सो ये सही है रिएक्शन, लिक्विड विल गिव एनोर्थाइट प्लस डायऑक्साइड। अब वन टू लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि दिस इज द एंड ऑफ द रिएक्शन, ये एंड है क्रिस्टलाइजेशन। इस पॉइंट के बाद लिक्विड गोज टू जीरो और सिस्टम में केवल क्या बचा? एनोर्थाइट और डायऑक्साइड। मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि किस कॉम्पोजिशन का एनोर्थाइट डायऑक्साइड होगा हमारे पास? जो फाइनल मिलेगा हमको उसमें एनोर्थाइट डायऑक्साइड का कॉम्पोजिशन क्या होगा? एग्जैक्ट कॉम्पोजिशन बताओ, सिक्सटी एनोर्थाइड फोर्टी डायऑक्साइड, ये वाला? नहीं सर, उसका उसका उल्टा, फोर्टी वाला सर, ये वाला? हाँ वाला, मतलब तुम कह रहे हो इसके नीचे वाला? हाँ सर, ये 42 है। ठीक है, तो कितने लोगों को लगता है कि जो फाइनल कंपोजिशन होगा वो ये होगा? एक बार हाथ उठाओ, ये होगा। ओके, कितने लोगों को? बट बल्क कंपोजिशन हमने जहाँ से स्टार्ट किया था तो वो पॉइंट ए था ना, तो तो लिक्विड में बल्क कंपोजिशन जितना है उतना ही सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा। एग्जैक्टली, क्योंकि ये फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन नहीं है, सिस्टम के बाहर कुछ नहीं जा रहा, वो पूरा का पूरा लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है। तो क्या होना चाहिए? जो तुम्हारा ये था वही सॉलिड होना चाहिए। अब ये यहां पहुंचा कैसे, ये चीज मैं आपको समझाता हूं।
ध्यान से देखो, जब हम इधर पे आ रहे थे तो ये लिक्विड की ट्रेजेक्टरी, सॉलिड तो यहां था ना। ध्यान से देखो, यहां से तुम यहां तक आए पूरे टाइम क्या क्रिस्टलाइज हो रहा था, एनोर्थाइट। तो ये सॉलिड उसी टेम्परेचर के साथ साथ नीचे आता रहा और इस पॉइंट पे आया, राइट। इस पॉइंट पे जैसे ही आए डाइऑक्साइड भी क्रिस्टलाइज हो गए। जैसे जैसे सिस्टम में डाइऑक्साइड बढ़ेगा ये सॉलिड इस तरफ मूव करेगा, डाइऑक्साइड बढ़ रहा है सिस्टम में, बढ़ रहा है बढ़, ये इधर पे आएगा, एग्जैक्टली इस पॉइंट पे लिक्विड खत्म होगा क्योंकि वो बल्क कंपोजिशन। जैसे ही बल्क कंपोजिशन सॉलिड का बन गया, मतलब जो लिक्विड था वो पूरा सॉलिड बन गया, मतलब लिक्विड की लास्ट ड्रॉप कन्वर्ट हो चुकी। अब डिग्री ऑफ फ्रीडम फिर से टू हो गया, कितना हो गया, दो फेजेस बचे ना, तो टू माइनस टू प्लस वन हो गया। अब क्या होगा, अब बस ये ठंडा होगा, यहां से अभी बस नीचे है। समझ में आ रहा है, ये जो ट्रेजेक्ट्री है ना ये लिक्विड की ट्रेजेक्ट्री। सॉलिड का पाथ क्या है, सॉलिड का पाथ है ये चीज मैं आपको उल्टा समझा। लेट्स से तुम्हारे पास ये सॉलिड था 70-30 और तुमने उसको हीट करना शुरू किया। सोच के जरा बताओ कि क्या होगा अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाता जाऊं, दोनों लिक्विड में कन्वर्ट होता जाएगा, लिक्विड में कन्वर्ट होता जाएगा। ये ट्रेजेक्टरी पूछ रहा हूँ कैसे जाएगा, ऑब्वियसली गर्म करेंगे तो लिक्विड में तो कन्वर्ट होगा ही। सर बी टू बी, बी टू जाएगा सर, डी से हाई की ओर जाएगा और उसके बाद ऊपर जाएगा। देखो देखो, तुमने हीट किया, टेम्परेचर बढ़ा, ये सॉलिड ऊपर आएगा, ऊपर आ रहा है, ऊपर आ रहा है, ऊपर आ रहा है, ऊपर आ रहा है, इस पॉइंट पे आ रहा, इस पॉइंट पे पहला लिक्विड बना, ठीक है। रिएक्शन क्या होगी, एनोर्थाइट प्लस डायऑक्साइड का जो सॉलिड है इट विल गिव यू अ लिक्विड, ठीक है। ये जो लिक्विड बनेगा ये किस कॉम्पोजिशन का होना चाहिए, एनोर्थाइटिक यूटेक्टिक, कौन बोला यूटेक्टिक, यूटेक्टिक। तुम कैसे मेल्ट कर रहे थे जब सॉलिड सॉल्यूशन, कैसे मेल्ट कर रहे थे, यहां से ऊपर लाए, इसके करस्पॉन्डिंग जो लिक्विड था वो बना, राइट। यहां पे भी वही कर, सॉलिड यहां पे आया, इसके करस्पॉन्डिंग जो लिक्विड है से वो ये है, राइट। तो इसी कॉम्पोजिशन का लिक्विड बनेगा पहला लिक्विड, ये कॉम्पोजिशन क्या है, यूटेक्टिक कॉम्पोजिशन 42-58, ठीक है। इस कॉम्पोजिशन का लिक्विड बनेगा, ये इस पॉइंट पे कब तक रहेगा, मेल्टिंग शुरू हो गई, लिक्विड बनता जा रहा है, बनता जा रहा है, बनता जा रहा है, कब तक बनता रहेगा, जब तक 1274 टेम्परेचर पे रहेगा। नहीं नहीं सर, हाँ सर वही टेम्परेचर पे रहेगा। तो टेम्परेचर में कब तक रखूँ, मान लो मैं हीट देता जा रहा हूँ तो क्या होगा, तो फिर वो और मेल्ट करता जाएगा, तो फिर वो लिक्विड लिक्विडस लाइन में बढ़ेगा सर। सर वो डी से बी की तरफ जाएगा, यहां से इधर की तरफ जाएगा, हां वही एनोर्थाइट की तरफ जाएगा सर, जब तक डाइऑक्साइड खत्म, मतलब यहां यहां से आएगा, इधर इधर से लिक्विड बनना शुरू होगा, सीधे इधर चल देगा। जब पहला लिक्विड बना, डिग्री ऑफ फ्रीडम जीरो है, टू माइनस थ्री प्लस वन, तो ये इस पॉइंट से हिलेगा ही नहीं क्योंकि यूनिट इनवेरिएंट है ना, ये पॉइंट, ये इस पॉइंट से तब तक नहीं हिलेगा जब तक डिग्री ऑफ फ्रीडम चेंज नहीं होता। अगर डिग्री ऑफ फ्रीडम जीरो है, ये समझ में आ रहा है ना, तीन फेजेस टू माइनस थ्री प्लस वन जीरो,
जीरो मतलब इट विल नॉट मूव फ्रॉम दिस पॉइंट, इट कैनॉट मूव दिस फ्रॉम दिस पॉइंट अंटिल डिग्री ऑफ फ्रीडम चेंजेस. चेंजेस क्या मतलब बढ़ता है डिग्री ऑफ फ्रीडम. ये कब चेंज होगा, जब पूरा डायऑक्साइड कम क्या है 70-30 का रेशियो है, 30 क्या है डायऑक्साइड. यूटेक्टिक कंपोजिशन का मेल्ट अगर हम निकाल रहे हैं तो पहले क्या खत्म होगा बताओ, क्या चीज पहले. जब डायऑक्साइड खत्म हो जाएगा ये जीरो खत्म हो जाएगा, डिग्री ऑफ फ्रीडम फिर से वन हो जाएगी राइट. जैसे ही डिग्री ऑफ फ्रीडम वन हो जाएगी फिर वो इस लाइन पे चलना शुरू करेगा, तब तक वो इसी टेम्परेचर पर रहेगा. तो उसको जितनी हीट देनी हो दे, टेम्परेचर नहीं बढ़ सकता टिल पॉइंट डाइऑक्साइड एंड एनहाइड्राइड बोथ आर इन द सिस्टम अलोंग विद लिक्विड. लिक्विड बनता रहेगा तुम ज्यादा हीट दोगे तो तेजी से बन जाएगा, लेकिन जब तक डाइऑक्साइड है तब तक टेम्परेचर आगे जा ही नहीं सकता ठीक है. जैसे ही डाइऑक्साइड खत्म होगा डिग्री ऑफ फ्रीडम फिर से वन होगी, अब सिस्टम में क्या है प्योर एनहाइड्राइड सॉलिड में, लिक्विड में डाइऑक्साइड पूरा चला गया. अगेन अब कुछ नहीं होगा, एनहाइड्राइड विल गिव यू लिक्विड, मतलब एनहाइड्राइड प्लस लिक्विड विल गिव यू लिक्विड टू, ये उल्टा रिएक्शन चल रहा है राइट. और लिक्विड में आता रहेगा वो आता रहेगा एनहाइड्राइड, और लिक्विड का कंपोजिशन चेंज होता रहेगा क्योंकि एनहाइड्राइड रिच होता जाएगा. इट विल फॉलो द सेम ट्रेजेक्टरी बैक टू बी. सॉलिड क्या कर रहा होगा, तो सॉलिड का क्या हो रहा होगा, ये तो लिक्विड की ट्रेजेक्टरी थी, सॉलिड यहां से ऊपर आया जब इससे डाइऑक्साइड मेल्ट हो रहा था तो ये एनहाइड्राइड की तरफ जाएगा, डाइऑक्साइड खत्म हो रहा है सिस्टम से. जैसे ही वो इस पॉइंट पे पहुंचेगा एट दिस पॉइंट डाइऑक्साइड इज कंप्लीटली गॉन इन द मेल्ट, सॉलिड में इट इज प्योर एनहाइड्राइड. अब ये इस लिक्विड के साथ ऊपर मूव करेगा और बी पॉइंट पे आते ही पूरा एनहाइड्राइड मेल्ट हो चुका होगा और ये ऊपर चला जाएगा. एग्जैक्टली अपोजिट पाथ. शुरू कैसे किया था हमने, लिक्विड ठंडा हो रहा था एनहाइड्राइड बन रहा था, फिर लिक्विड इधर आया एनहाइड्राइड इधर आया, डाइऑक्साइड बनने लगा सॉलिड इधर आया, लिक्विड खत्म सॉलिड ठंडा हो रहा, उल्टा कर रहे हैं गर्म हो रहा है यूटेक्टिक का लिक्विड बन रहा, ये इस तरफ जा रहा है क्योंकि डाइऑक्साइड मेल्ट होकर जा रहा है, मेल्ट हो जाए एक टाइम पे डाइऑक्साइड पूरा मेल्ट हो गया प्योर एनहाइड्राइड. अब लिक्विड मूव करेगा ऊपर, उसके साथ साथ सॉलिड भी टेम्परेचर में आगे मूव करेगा, करते करते इस पॉइंट तक पहुंचेगा, यहाँ पे आखिरी सॉलिड का क्रिस्टल मेल्ट हो जाएगा एंड दिस लिक्विड विल बिकम प्योर बर्फ. यस, जो ऊपर पहुंच रहा है 70 से ऊपर लिक्विड, हाँ ऊपर जब वहां तक पहुंचता है सॉलिड, हाँ सॉलिड वहां तक पहुंचने के बाद जब मेल्ट और भी बर्फ बढ़ते जा रहा है, इस यहाँ से यहाँ तक मेल्ट नहीं हो, हाँ उस पॉइंट से, हाँ उस पॉइंट जब मेल्ट बढ़ रहा है तो डाइऑक्साइड खत्म होता है, तो वो डाइऑक्साइड का मेल्ट क्या उस लिक्विड को टच करता है, नहीं वो कहाँ जा रहा है, इस इन दोनों का इंटरसेक्शन है जो, हाँ इस पॉइंट सारा वेपर का लिक्विड तो मतलब मैं इसी पॉइंट, इसी पॉइंट पे, पॉइंट मतलब टेम्परेचर, टेम्परेचर की बात कर रहे हैं ना, इसी टेम्परेचर पे लिक्विड रहेगा तब तक रहेगा जब तक डाइऑक्साइड एनहाइड्राइड सिस्टम में है. जब डाइऑक्साइड पूरा मेल्ट हो जाए, ऐसा नहीं कि साथ में एनहाइड्राइड नहीं मेल्ट हो रहा है एनहाइड्राइड. अगर मैं आपसे पूछूं कि इस पॉइंट पे जो लिक्विड बन रहा है उसका कॉम्पोजिशन क्या है, इस पॉइंट पे जो लिक्विड बनेगा, नहीं इस पॉइंट पे जो लिक्विड बनेगा उसका कॉम्पोजिशन क्या होना चाहिए, अरे सीधे नीचे चले जाओ, नीचे कॉम्पोजिशन राइट, मतलब जो लिक्विड तुम बना रहे हो उसमें 42% एनहाइड्राइड है और 58% डाइऑक्साइड, तो जो लिक्विड मेल्ट हो रहा है या जो सॉलिड मेल्ट होकर लिक्विड हो जा रहा है उसमें किसका कॉम्पोजिशन था, डाइऑक्साइड का राइट. मेल्ट करते जाओगे तो डाइऑक्साइड खत्म हो जाएगा राइट, और एनहाइड्राइड प्योर में चला जाएगा और फिर केवल एनहाइड्राइड मेल्ट होगा तब तक जब तक एनहाइड्राइड पूरा मेल्ट नहीं हो जाता, इस पॉइंट में पूरा मेल्ट होगा. समझ में आ रहा है, वहां पे डाउट सर उसी पॉइंट डी में
सॉलिड का कंपोजिशन अलग होगा, मतलब पहला जो था लिक्विड का डी में सॉलिड कंपोजिशन सर दिस इज सॉलिड एंड दिस इज लिक्विड, ठीक है। इस जैसे जैसे ये लिक्विड बनता जाएगा यूटेक्टिक कंपोजिशन का, ये सॉलिड इस तरह मूव करता जाएगा, ठीक है। कब तक मूव करेगा? जब तक तुम्हारे सॉलिड में से डाइऑक्साइड पूरा खत्म नहीं हो। अगर पूरा डाइऑक्साइड खत्म हो गया तो ये इधर आ जाएगा 100% एनर्थाइड, राइट। इसका मतलब क्या है? इसके यहां आने का मतलब है सिस्टम में अब डाइऑक्साइड एज अ मिनरल नहीं है, वो लिक्विड फेज है, पूरा डाइऑक्साइड मेल्ट हो चुका। अब डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 हो गया, राइट, क्योंकि एनर्थाइड और लिक्विड 2 - 2 + 1 आया। अब दिस विल मूव अलोंग द लिक्विडस ऑफ एनर्थाइड एंड इसके पैरेलली साथ साथ एनर्थाइड भी ऊपर पड़ेगा और मेल्ट होता जाएगा, मेल्ट होता जाएगा, मेल्ट होता जाएगा, मेल्ट होते 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 इस पॉइंट पे इसका लास्ट क्रिस्टल मेल्ट हो जाएगा इधर पे। अब डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या हो गया? अब एक ही फेज है लिक्विड, पूरा मेल्ट हो गया अगर तो 2 - 1 + 1 मतलब 2, 2 मतलब अभी यहां से केवल मतलब उस टेंपरेचर पे मेल्ट में डाइऑक्साइड और एनर्थाइड दोनों दोनों, लेकिन वो यूटेक्टिक कंपोजिशन। हाँ, तो उसके बाद क्या हो रहा है कि मेल्ट एनर्थाइड का इस लिक्विडस की ओर बढ़ रहा है तब तक नहीं जब तक डाइऑक्साइड पूरा मेल्ट नहीं हो, क्योंकि जब तक यहाँ पे डाइऑक्साइड है डिग्री ऑफ फ्रीडम जीरो है, जब तक डिग्री ऑफ फ्रीडम जीरो है ये पॉइंट मूव नहीं कर सकता। हाँ, वो नहीं मूव करेगा, लेकिन जब यहाँ पे पूरा एनर्थाइड हो जाएगा सॉलिड का इस पॉइंट, फिर ये मूव करेगा और डाइऑक्साइड वाला मेल्ट करेगा। वो लिक्विड में है, सॉलिड में केवल एनर्थाइड है ना, बस एनर्थाइड मेल्ट होता है, वापस लिक्विड में मेल्ट होते होते एक पॉइंट पे पूरा मेल्ट हो जाएगा, तब यू विल हैव बल्क कंपोजिशन का लिक्विड वापस, क्योंकि जो सॉलिड से शुरू किया था उसको पूरे लिक्विड में कन्वर्ट कर दिया तो पूरा लिक्विड उसी कंपोजिशन का आ जाएगा। 70-30 से शुरू किया था 70 डाइऑक्साइड 30 डाइऑक्साइड मेल्ट किया, डाइऑक्साइड निकल गया लिक्विड 30 ml ले लो, मान लो 100 ग्राम सॉलिड था, स्टार्ट करते हैं 100 ग्राम सॉलिड था, ठीक है, 70-30 था, तो मतलब 70 ग्राम क्या है एनर्थाइड और 30 ग्राम क्या है डाइऑक्साइड, ठीक है। तुम इस पॉइंट पे आए, तुमने मेल्ट करना शुरू किया, पूरा का पूरा 30 तुमने निकाल लिया, ठीक है, एनर्थाइड भी कुछ निकल गया होगा यूटेक्टिक कंपोजिशन के हिसाब से। अब सिस्टम में प्योर एनर्थाइड बचा है, राइट, वो यहां पे आ गया। अब ये लिक्विड ऊपर चल सकता है क्योंकि अब डाइऑक्साइड नहीं, डिग्री ऑफ फ्रीडम 1, दो ही फेज है एनर्थाइड और लिक्विड, 2 - 2 + 1 तो 1 अभी उधर चलता जाएगा। जैसे ही एनर्थाइड पूरा मेल्ट हो जाएगा डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 हो जाएगा, 2 - 1 + 1 अब एक ही फेज है लिक्विड, अब यहां से ऊपर, ठीक है। अब इसी चीज को अगर इस साइड से करें बिल्कुल एग्जैक्टली सेम कर, तो तुम बताओ इस कंपोजिशन से शुरू करो क्या होगा? सबसे पहले यहां पे आया, ई पॉइंट पे पहुंचेगा, क्या रिएक्शन होगी? क्या रिएक्शन होगी ई पॉइंट पे जब क्रिस्टल बनेगा? लिक्विड gives diopside, liquid gives diopside plus liquid 2, तो ये 1 करो, yes sir, plus liquid 2, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, और यही रिएक्शन चलती रहेगी along with, right, ये अगेन ये भी डी पे पहुंचेगा, डी पॉइंट पे क्या रिएक्शन होगी? Liquid is equal to dioxide plus dioxide plus anorthide. अब इसी पॉइंट पे रुका रहेगा और लिक्विड खत्म हो जाएगा, राइट।
अब मुझे ये तो लिक्विड की ट्रेजेक्ट्री है, सॉलिड की ट्रेजेक्ट्री क्या होगी? जैसे ही इस पॉइंट पे आएगा प्योर डाइऑक्साइड बनेगा, तो सॉलिड स्टार्ट यहां से, राइट? इसके अलोंग जैसे से चलेगा सॉलिड नीचे आएगा, इस पॉइंट पे वो डी पे पहुंचा होगा, ठीक है? अब क्या होगा? इस पॉइंट का 20 और अब जैसे जैसे ये वाली रिएक्शन चलेगी सिस्टम में एनोर्थाइड भी आना शुरू होगा। अगर जरा सा भी एनोर्थाइड आता है 100% से ये इस तरफ शिफ्ट होगा। कब तक शिफ्ट होगा? जब तक ये इधर पे नहीं आएगा। इस पॉइंट पे आते ही लिक्विड खत्म हो जाएगा और बस ये ठंडा होगा। एग्जैक्टली सेम कहीं से भी शुरू, राइट? सर यहाँ पे मतलब जो दो मिनरल्स हमने लिए डाइऑक्साइड और वो जो यप पॉइंट है वहां से इंटर ग्रोथ करेंगे क्या? वो कौन से पॉइंट से? यप यहाँ से, ये वाले से? हाँ, यहाँ से क्या करना है? वो वहां से नीचे आ रहा है ना, तो फिर जी पे आ गया। हाँ, तो हाँ, तो लिक्विड थोड़ा थोड़ा खत्म हो रहा है, तो उसके साथ एनोर्साइट यूज फॉर्म हो रहा है थोड़ा थोड़ा, तो वो इंटर ग्रो कर रहा है ना उसके साथ। हाँ ठीक है, इंटरग्रोथ तो बनेगा। यूटेक्ट्रिक पे आपका इंटरग्रोथ ही होता है। टेक्सचर की अगर बात कर रहे हो, टेक्सचर की बात करनी है तो क्योंकि ये एक साथ बन रहे हैं तो इंटरग्रोथ होगी यूटेक्ट्रिक पे। देखो इंटरग्रोथ तब होता है जब दो मिनरल एक साथ क्रिस्टलाइज, करेक्ट? तो इस पूरे डायग्राम में ऐसा कौन सा पॉइंट है जहां पे मिनरल एक साथ क्रिस्टलाइज कर? डी पॉइंट। तो यहां पे इंटरग्रोथ मिल सकता बिकॉज ये एक साथ क्रिस्टलाइज, ठीक है? बाद में अगर रिएक्शन हो रहे हैं तो हो सकता है, उसके बाद ही होगा क्रिस्टलाइज होने के बाद, क्योंकि वो बाद की कोरोना क्या है, अगर H2O आ रहा है या कोई और चीज आ रही है वो उसके साथ रिएक्शन करके रिम बने, तो वो तो ऑब्वियसली जब क्रिस्टलाइजेशन हो जाएगा उसके बाद ही वो रिएक्शन। तो ये समझ में आ रहा है? इसमें कोई डाउट है? अच्छा, ये था इक्विलिब्रियम डिस्टेंस। अगर इसी में फ्रैक्शनल करना लगे तो लेट्स से यहां से शुरू की, ठीक है? अब जो भी बन रहा है उसको सिस्टम से निकाल, फ्रैक्शन आउट कर दो, ठीक है? क्या होना चाहिए? देखो यहां से शुरू किया लोगों और जो भी हम बना रहे हैं उसको हटाते हैं, ठीक है? ट्रेजेक्टरी इंपॉर्टेंट है कि क्या पाथ फॉलो करेंगे, ठीक है? तो लेट्स से कि ये नीचे तो आया, ये बना लेकिन ये सिस्टम से हट, ठीक है? ये लिक्विड इस तरह आया, जो भी एनोर्थाइड यहां तक बना वो सिस्टम से हट गया। ये रिएक्शन मान लो शुरू हुआ, उसके 10 मिनट बाद तुम अंदर है, तुम क्या देख रहे हो? तुम देख रहे हो तुमको ये सब नहीं पता, ध्यान देना। तुमको तो तुम्हें दिख रहा है कि लिक्विड यहां पे है
और इसी का एक थोड़ा सा एनोर्थाइट बन रहा है क्योंकि बाकी तो हटा दिया हमने, राइट। तो तुम्हारे हिसाब से यही बल्क कंपोजिशन रहा होगा अगर तुम अभी अभी आए, क्योंकि बल्क कंपोजिशन तो यहां से यहां तो आ चुका है, समझ में आ रही मेरी बात। तो फॉर यू इट्स लाइक यहीं से शुरू हुआ रिएक्शन, क्योंकि और तो कुछ है भी नहीं सिस्टम में, जो भी एनोर्थाइट बना था वो हमने निकाल दिया, तो दिस इज द न्यू बल्क कॉम्पोजिशन, ठीक है। फिर यहां आएगा दिस इज अगेन न्यू बल्क कॉम्पोजिशन, दिस इज ऑल्सो न्यू बल्क कॉम्पोजिशन। इस पॉइंट पे जब आएगा तो डायऑक्साइड भी क्रिस्टलाइज करेगा, लेकिन सॉलिड कहां पे होगा, इस पॉइंट का सॉलिड कहां पे होगा। देखो प्योर एनोर्थाइड यहां था, राइट, इसका सॉलिड कहां पे होगा, इसी पॉइंट पे होगा। क्यों? क्योंकि जो जो क्रिस्टल मतलब जिस कॉम्पोजिशन से क्रिस्टलाइज कर रहा है वही सॉलिड बन रहा है, तो यूटेक्टिक कॉम्पोजिशन का ही सॉलिड बन रहा है, उसको भी निकालते ही जा रहे हैं। तो जो फाइनल क्रिस्टल बनेगा फ्रैक्शन क्रिस्टलाइजेशन वो यूटेक्टिक कॉम्पोजिशन। जब हम इक्विलिब्रियम क्रिस्टलाइजेशन कर रहे थे तो फाइनल क्रिस्टल बल्क कॉम्पोजिशन का, राइट, और फिर वही ठंडा हो रहा। फ्रैक्शनल के केस में जो फाइनल क्रिस्टल है वो यूटेक्टिक कॉम्पोजिशन का बनेगा, क्यों, क्योंकि जो भी एनोर्थाइट था वो हमने हटाई दी, राइट, और यही बनेगा। और आखिरी क्रिस्टल जो निकल जाएगा जो ठंडा होगा वो इसी कॉम्पोजिशन का रहेगा। मेक सेंस ना? सेम चीज इस साइड से भी हो जाएगी फ्रैक्शन में, आपको बस ये देखना है कि हम रिमूव करते हैं, ठीक है, रिमूव ही करते हैं, तो रिएक्शन भी यही होगी। लिक्विड इस पॉइंट पे लिक्विड गिव्स एनोर्थाइट प्लस डायऑक्साइड, और ये जो फाइनल क्रिस्टल है ये यूटेक्टिक कॉम्पोजिशन का ही, ये एनोर्थाइट पहले वाला जो एनोर्थाइट था वो इसमें नहीं है, वो हटा दिया, अगर वो होता तो ये कॉम्पोजिशन बनता और इक्विलिब्रियम होता, बट क्योंकि उसको हटाते जा रहे हैं सो जो इमीडिएटली क्रिस्टलाइज हो रहा है वही कॉम्पोजिशन। कोई डाउट, ये समझ में आता है? एग्जैक्टली सेम इस साइड से करना तो भी तुम्हें फाइनली यूटेक्टिक कॉम्पोजिशन ही मिलेगा, ठीक है। एक क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, शायद समझ में आएगा। देखो ये क्वेश्चन ट्राई करो। इन द फॉलोइंग फिगर फोर रॉक्स, कौन कौन से, डब्ल्यू एक्स वाई जेड, यू कैन सी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, ठीक है, undergo fractional melting, fractional melting हो, जो भी melt निकल रहा है उसको हटाते जा रहे, that's what it means, which rock will reach the highest temperature, अगर melting करते रहें तो कौन सा rock सबसे highest temperature तक जाए, अगर नहीं दिख रहा है तो बता देता हूँ, this is w, this is x, this is y and this is z. If you start fractional melting, which rock will go to the highest temperature? Yes. Ek answer aaya mere paas Z. W. एक डब्ल्यू है, वाई सर, वाई आ गया, एक्स भी बोल दो तो कम ही हो गया, बताओ भाई निकिता, वाई वाई वाई, ओके सर, शायद वाई, वाई वाई, कैसे सर, वो यूटेक्टिक पॉइंट पे तो सबसे ज्यादा मैक्सिमम टेंपरेचर होता है, यूटेक्टिक पॉइंट पे सबसे ज्यादा टेंपरेचर होता है, टेंपरेचर की एक्सिस ये है, देवांशु अविराज अटेम्प्ट तो करो,
लग रहा है सर, क्या लग रहा है? जेड होगा सर, जेड जेड यस यस सर। चलो देख, लेट्स फ्रैक्शनल है, ठीक है, याद रखो। डब्ल्यू क्या है? प्योर डाइऑक्साइड। उसके लिए इस डायग्राम का कोई मतलब ही नहीं है। एक डाइऑक्साइड है पास जो प्योर है, उसमें एनोथाइड है ही नहीं। तो जिस टेम्परेचर पे प्योर डाइऑक्साइड मेल्ट होता है उस टेम्परेचर में मेल्ट होगा। किस टेम्परेचर में मेल्ट होता है? 1392, जो भी ये टेम्परेचर। ये सीधे गर्म होता जाएगा होता जाएगा होता जाएगा होता जाएगा, इस पॉइंट पे मेल्ट करने लगेगा और इसी पॉइंट पे रहेगा जब तक पूरा मेल्ट नहीं, ठीक है। तो लिख देता हूं मैं, डब्ल्यू विल रीच हियर, ठीक है। अब एक्स को देखते हैं, एक्स इज रिच इन डाइऑक्साइड। लेट्स से तुमने इसको हीट करना शुरू किया, ठीक है, तुम हीट करते गए, इस पॉइंट पे आएगा, ठीक है, इस पॉइंट पे आ रहा है और सबसे पहले यूटेक्टिक कॉम्पोजिशन निकलेगा, राइट। यूटेक्टिक कॉम्पोजिशन निकलता गया निकलता गया निकलता गया, एक पॉइंट पे एनोर्थाइड खत्म हो जाएगा। डाइऑक्साइड रिच है तो डाइऑक्साइड फिर भी बचेगा, लेकिन जो भी निकल रहा था उसको हमने सिस्टम से ही हटा दिया। तो जब पूरा डाइऑक्साइड एनोर्थाइड निकल गया और तुमने उस लिक्विड को ही सिस्टम से हटा दिया, तो क्या बचा तुम्हारे पास? प्योर डाइऑक्साइड। लिक्विड हट गया, एनोर्थाइड उसमें चला गया लिक्विड में, वो लिक्विड हटा ही दिया, तो प्योर डाइऑक्साइड बचा। प्योर डाइऑक्साइड फिर से यहां आ जाएगा और इसी टेम्परेचर पर मेल्ट करेगा जिसपे डब्ल्यू कर रहा था। तो ये भी एक्स भी यहीं पे आएगा। वाई को देखो, वाई क्या है? यूटेक्टिक कॉम्पोजिशन। तो यहां से गर्म करोगे, इस पॉइंट पे जाएगा। इक्वेशन क्या होगी? वाई गिव्स लिक्विड, या फिर डाइऑक्साइड प्लस एनोर्थाइड गिव्स लिक्विड। ये लिक्विड यूटेक्टिक कॉम्पोजिशन का ही निकलेगा, राइट, पहला लिक्विड वही निकल, क्योंकि ये रॉक भी यूटेक्टिक कॉम्पोजिशन का है, ये दोनों एक साथ ही खत्म होगा, राइट। सो मैक्सिमम वाई यहां तक ही जा सकता है, तो दिस इज द मैक्सिमम टेम्परेचर वाई कैन गो, 1274। तो वाई किस रेशियो में है? यूटेक्टिक रेशियो, और उसी रेशियो में मेल्ट कर तो दोनों एक साथ ही खत्म होगा, उसी रेशियो में। तो अगर इस पॉइंट पे आखिरी मेल्ट बनता है तो दिस इज द मैक्सिमम टेम्परेचर, राइट। तो दिस इज द टेम्परेचर वाई कैन गो। अब जेड की बात करो, नहीं, ये यूटेक्टिक कॉम्पोजिशन ही है, दोनों एक साथ ही खत्म, राइट। अब जेड, जेड को तुमने हीट किया, वो यहां पे आएगा, क्या निकलेगा? यूटेक्टिक कॉम्पोजिशन का लिक्विड निकलेगा, निकलता रहेगा जब तक पूरा डाइऑक्साइड नहीं निकल। जैसे ही डाइऑक्साइड पूरा निकल गया, लिक्विड तुमने हटा दिया, क्या बचा? प्योर एनोथाइड। प्योर एनोथाइड यहां पे आ जाएगा और कहां मेल्ट होगा? जहां पे प्योर एनोथाइड मेल्ट होता है। तो दिस इज द फाइनल टेम्परेचर ऑफ जेड, आंसर इज जेड इज करेक्ट। लेट से ये इक्विलिब्रियम, अब बताओ हाईएस्ट टेम्परेचर क्या है? Yes. Instead of fractional, if it is equilibrium this time, so equilibrium melting, what is the maximum temperature you can achieve? Which rock will achieve the maximum temperature? So Z E over. Z. X. X. सर W होगा, Z और W, हाँ W होगा। अच्छा अच्छा ओके ओके करते हैं वाला, चलो किस दिन देखो, जो कॉम्पोजिशन रॉक का है वही कॉम्पोजिशन मेल्ट का होगा इक्विलिब्रियम, राइट। तो लिक्विडस में वो कॉम्पोजिशन कहां पे आएगा? वही उसका फाइनल टेम्परेचर होना चाहिए।
जेड का पाथ क्या होगा मैं तुम्हें बता देता हूँ, ध्यान से देखो, जेड को जब हम मेट करेंगे तो ऐसे जाएगा, जैसे जैसे ये इसमें डाइऑक्साइड मेल्ट में जाता रहेगा वैसे वैसे रॉक इस तरफ मूव करेगा, जब पूरा मेल्ट में चला जाएगा तो प्योर डाइऑक्साइड प्योर एनऑक्साइड यहाँ पे आ जाएगा, बट क्योंकि मेल्ट है अभी, मेल्ट को हटाया नहीं, उसके बाद इक्विलिब्रियम में है तो द मेल्ट विल स्टार्ट मूविंग अलोंग दिस राइट एंड जेड विल स्टार्ट मूविंग अलोंग दिस टिल इट रीचेस दिस पॉइंट जहां पे पूरा एनऑर्थाइट भी मेल्ट हो जाएगा एंड दिस इज द फाइनल टेम्परेचर ऑफ द रॉक, क्योंकि इसके बाद रॉक खत्म, मेल्ट हो सकता है और गर्म हो जाए बट इसे रॉक का पूछा है राइट, तो जेड विल रीच हियर, वाई तो यही रहेगा, इसका तो कुछ दिक्कत है नहीं, एक्स विल गो टिल हियर फॉर द हाईएस्ट टेम्परेचर एंड डब्ल्यू विल रीच हियर, तो अगर देखा जाए तो सबसे ऊपर जेड, जेड सबसे ऊपर आ, ठीक है, जेड और डब्ल्यू में कंफ्यूजन हो सकता है बट इफ यू मेक अ वेरी स्ट्रेट लाइन यू विल सी जेड इट अबव, जेड इज अगेन द करेक्ट आंसर, बट अगर ये जेड थोड़ा सा इधर होता, इधर यहां होता अगर जेड तो डब्ल्यू आंसर राइट, या फिर एक कॉम्पोजिशन अगर यहां भी होता लाइक से पी तो फिर वो तो फिर कैसे हो ही है, ओके सर, यस सर, इसमें जो जेड का सर बता रहे थे उसके को थोड़ा फिर से बता दो, जेड देखो निकिता, जेड जब गर्म होगा तो यहां तक तो पहुंचेगा, यस सर, इस पॉइंट पे तुम्हें क्या लगता है क्या होना चाहिए जेड, सर वो मेल्ट की तरफ शिफ्ट करेगा वो और फिर उसके बाद से, नहीं नहीं यहाँ पे जेड पहला मेल्ट बनेगा, इस पॉइंट पे जेड मेल्ट करना चालू होगा, हाँ वहां से, तो उसका जो मेल्ट बनेगा उसका कॉम्पोजिशन क्या होगा सर, एनर्थेटिक ज्यादा होगा, इस पूरे में कहाँ पे लाई करेगा वो कॉम्पोजिशन सर, इस कर्व पे रहेगा सर ये, और 274 टेम्परेचर वाला यूटेक्टिक कंपोजिशन, यूटेक्टिक पॉइंट पे रहेगा ये सर, तो आप बोल ही नहीं रहे, इस कंपोजिशन का लिक्विड बनेगा और जेड इस तरफ मूव करेगा राइट, क्योंकि डाइऑक्साइड मेल्ट में जा रहा है राइट, तो सॉलिड विल बिकम मोर एंड मोर एनऑर्थाइट और इस पॉइंट पे आके पूरा डाइऑक्साइड मेल्ट में चला गया, मेल्ट में चला गया, तो ये प्योर हो गया एनऑर्थाइट, अब ये इसके अलोंग मूव करेगा इसके साथ जब तक पूरा मेल्ट नहीं हो जाता इस पॉइंट पे, ठीक है, इस पॉइंट पे पूरा का पूरा एनऑर्थाइट मेल्ट हो जाएगा और लिक्विड फिर लिक्विड गर्म होता रहेगा अगर टेम्परेचर बढ़ा रहे, तो ये सबको समझ में, एक बार मैं इसका भी आपको एनिमेशन दिखा देता हूं, देखो लिक्विड नीचे आया वो सॉलिड बना इधर पे आया, अब जैसे जैसे डाइऑक्साइड बनेगा ये सॉलिड इस तरफ है, लिक्विड खत्म हुआ सॉलिड नहीं, सही सेम प्रोसेस, इधर पे आया प्योर एनऑर्थाइट है, डाइऑक्साइड बनना शुरू हुआ तो सॉलिड इधर वो करेगा, लिक्विड खत्म अब ये ना हो, सेम चीज इस साइड, ठीक है, यहाँ पे शायद यहाँ पे चलना चाहिए बट ठीक है, सेम प्रोसेस यहाँ पे चल, ठीक है, इसके बाद आइए एग्जैक्टली सेम, ठीक है, लिक्विड अब यहां पे यूटेटिक कंपोजिशन बनता जा रहा है, बनता जा रहा है, खत्म हो, अब कल देखेंगे हम बाइनरी पेरिटेक्टिक, पेरिटेक्टिक में क्या है, पेरिटेक्टिक में एक रिएक्शन भी होती है
विदिन द मिनरल्स, मतलब जो फॉस्फोराइड बनता है हमारा वो मेल्ट के साथ रिएक्ट करके पैरोक्सीन बना सकते, तो उस चीज को भी कैसे समझेंगे विल सी, ठीक है? ओके सर, अच्छा टेक केयर, गुड नाइट, गुड नाइट सर, गुड नाइट।